स्पॉन्सर्ड बाय RS एकेडमी, एड्रेस टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। प्रदेश में कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं। बारिश की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। मौसम विभाग ने जबलपुर, छिंदवाड़ा, रीवा, सतना समेत कई जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आइए जानते हैं कि सोमवार को किन जिलों में बारिश होने की संभावना है। बारिश के बीच प्रदेश में कई जगहों से बड़े हादसों की खबरें भी सामने आ रही हैं। रविवार को पानी के तेज बहाव के चलते देवास में एक पुलिसकर्मी की डूबने से मौत हो गई। वहीं राजधानी भोपाल से सटे हुए बड़े महादेव पानी में भी 3 लोग बह गए, जिनमें से 2 को बचा लिया गया, लेकिन एक नाबालिग बह गया। मौसम विभाग ने जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, विदिशा, रायसेन, बैतूल, हरदा, शिवपुरी, सिंगरौली, पन्ना, सतना, रीवा, कटनी, छतरपुर, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, डिंडौरी और बालाघाट जिलों में मध्यम गरज के साथ बिजली चमकने के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर, धार, देवास, हरदा, बैतूल, रतलाम, उज्जैन, खंडवा, झाबुआ, नर्मदापुरम, खरगोन, सागर, दमोह, मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। सीधी, सिंगरौली और टीकमगढ़ के साथ साथ सीहोर, गुना, शाजापुर, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, भोपाल, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, बुरहानपुर, अलीराजपुर, बड़वानी, दतिया, मंदसौर, छिंदवाड़ा में हल्की बारिश और गरज चमक होने के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो मध्य प्रदेश में 3 वेदर सिस्टम एक्टिव हैं, जिनकी वजह से बारिश हो रही है। बारिश के चलते नर्मदा और शिप्रा समेत कई नदियां उफान पर हैं। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो रहे हैं। आगामी कुछ दिनों तक बारिश का दौर ऐसे ही जारी रहने का अनुमान है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्पॉन्सर्ड बाय RS एकेडमी, एड्रेस टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा।